कि 16 अक्टूबर से एमपी में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। रोशन लिखना है तो रोशन हिंदी में नहीं लिखे जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? ऊपर श्री हरि लिखो और रोशन। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। 16 अक्टूबर को अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं और इसी दौरान शाह इसकी औपचारिकता शुरू करेंगे। हिंदी में अनुवादित मेडिकल की किताबों का विमोचन करेंगे। उधर इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शाह के मध्य प्रदेश आने से पहले ही भोपाल के भारत भवन में हिंदी विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज समेत हिंदी साहित्यकार मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि हिंदी पर व्यापक विमर्श की जरूरत है। उन्होंने कहा यहाँ शिक्षा की भाषा मातृभाषा ही होनी चाहिए। इसके फायदे ये हैं कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम हो सकता है। पढ़ाई के आसान होने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। गांव से डॉक्टर निकलेंगे तो गांवों तक डॉक्टरों की पहुंच होगी। मातृभाषा में पढ़ाई होने पर छात्रों की मौलिकता में वृद्धि होती है। अनुसंधान अपनी भाषा में होगा तो इलाज में भी आसानी होगी। इलाज के नाम पर होने वाली अंधाधुंध लूट में भी कमी आएगी। हमें पता नहीं कहां के गुलाम हो गए, मर गए। हेलो हाय हाउ डू यू डू। सच में इस मानसिकता को मारने की जरूरत है। सीखे अंग्रेजी सीखे, कोई कोई बुराई नहीं, लेकिन शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। यहाँ गांव गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे उसमें क्या दिक्कत है? दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या परेशान? ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। वहीं हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मेडिकल कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, प्रोफेसर्स के आधे पद खाली पड़े हुए हैं, लेबोरेटरीज की व्यवस्था खराब है, सभी तरह की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, ऐसे में भाजपा सरकार हिंदी में पाठ्यक्रम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुनिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कल मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचा जाएगा। जब पूरे देश में पहली बार हिंदी में MBBS की पढ़ाई की पुस्तकों का विमोचन देश के गृह मंत्री परम सम्माननीय अमित शाह जी करेंगे। बहरहाल इधर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की तैयारियां तो कर ली गई हैं, लेकिन आगे बड़ी चुनौतियां भी हैं। सवाल ये है कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों का प्लेसमेंट कितना आसान होगा, और अगर प्लेसमेंट हो भी जाता है तो वो प्रैक्टिस के दौरान अंग्रेजी में पढ़ाई करके आए सीनियर डॉक्टर से संवाद कैसे कर पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और देखिए इसी बीच बड़ी जानकारी, भोपाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनका इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद अब भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। MBBS की हिंदी पुस्तकों का करेंगे विमोचन, तमाम तैयारियां कर चुकी है। और तैयारियों के बीच अब इंतजार किया जा रहा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जब वो हिंदी पुस्तकों का विमोचन करेंगे। और क्योंकि अब भोपाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे में अब थोड़ी देर में वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं, ये बड़े सवाल हैं। और साथ ही साथ किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कौन कौन इस दौरान मौजूद हैं, ये तमाम सवाल बनते हैं। क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां की गई हैं, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जहां भोपाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नितेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। आइए सीधा रुख करते हैं नितेंद्र की ओर। नितेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं भोपाल, ऐसे में उनके स्वागत के लिए कौन कौन वहां मौजूद है, और साथ ही साथ अब क्या कुछ होने वाला है अपडेट्स कार्यक्रम को लेकर? जी
देखिए अमित शाह जो है वो एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पहुंच गए और स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई मंत्री मौजूद हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और फिर वहां से वो लाल परेड जाएंगे। वो लाल परेड पर जो आज 3 किताबों का जो विमोचन होने वाला है, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी में, उसका विमोचन करेंगे और मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई भी जो है वो हिंदी में प्रारंभ होगी। तो अभी एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत होगा, जो एयरपोर्ट मतलब जो स्टेट हैंगर है मध्य प्रदेश का, उस पर स्वागत होगा और फिर वहां से जो है वो लाल परेड जाएंगे जहां पर मुख्य कार्यक्रम है जिसमें वो उन किताबों का विमोचन करेंगे और फिर जो है वो उसके बाद उनका संबोधन होगा और फिर लगभग 2 बजे के करीब अमित शाह जो है वो ग्वालियर रवाना हो जाएंगे जहां पर ग्वालियर में उनको टर्मिनल भवन का जो है वो शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसके बाद जो है वहां पर उनकी एक आम सभा है। ठीक है, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में आखिर कितना समय लग जाएगा और अगर हम तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ, क्योंकि लंबे समय से इसकी आज के कार्यक्रम के लेकर तैयारियां की जा रही थी, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? देखिए स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम को लेकर जो है वो लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए ये एक बहुत जिसे कहें कि प्रतिष्ठा की बात है कि मध्य प्रदेश से हिंदी की पढ़ाई जो है वो मेडिकल में शुरू हो रही है। क्योंकि इसको लेके कई दिनों से जब ये बात आई थी कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कैसे होगी, कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में उन सभी सवालों का जवाब दिया। उन्हें साफ तौर पर कहा कि जब अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है तो हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है, और कुछ लोग जो डॉक्टर बनने से जिनको एक कहीं गए नहीं है फोबिया है कि वो अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, उन बच्चों के लिए ये हिंदी में पढ़ाई जो है वो एक नया आयाम जो है वो लिखेगी। तो स्वाभाविक रूप से इसको लेकर कई दिनों से इसीलिए तैयारी चल रही थी, मध्य प्रदेश में इसका पूरा पाठ्यक्रम बना, और ये कहा जा सकता है कि ये काम ऐसा नहीं था जिसको एक दिन में किया जा सके, तो इसलिए करीब देखा जाए तो लगभग 1 साल से, क्योंकि वो 3 किताबों का पूरा जो है वो ट्रांसलेशन होना था, उसमें लगभग 8 डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी और उसमें उन शब्दों का भी चयन करना था, क्योंकि आप अगर कठिन शब्दों को उस किताबों में रखेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये भी बात थी। तो ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर ही बोला जाए, उसको रक्तचाप ना बोला जाए या उच्च रक्तचाप ना बोला जाए, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इसको यूं कहा जा सकता है कि ये हिंदी में किताब तैयार हुई है लेकिन ये इंग्लिश है जिसमें उन शब्दों को भी रखा गया है जो अंग्रेजी के शब्द है लेकिन हिंदी में उनका प्रयोग करना सुविधा के लिए, पढ़ाई के लिए आवश्यक होता तो उन शब्दों को रखा गया है। बिल्कुल, हिंदी को लेकर कहीं ना कहीं आज नए आयाम देने वाले हैं मध्य प्रदेश में और ऐसे में छात्रों में भी खुशी देखने को मिल रही है। इंतजार अमित शाह का किया जा रहा था, केंद्रीय गृह मंत्री कब पहुंचेंगे और फिर उन 3 हिंदी पुस्तकों का विमोचन करेंगे जो हिंदी में होगी और MBBS की पढ़ाई उससे कहीं ना कहीं सरल हो जाएगी। अब क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई है, अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन सुरक्षा की बात करें अगर तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ क्योंकि अब अमित शाह पहुंचेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं रूट डायवर्जन भी किया गया होगा, तो डायवर्जन किस प्रकार है? देखिए स्वाभाविक रूप से जब केंद्रीय गृह मंत्री को Z+ सुरक्षा प्राप्त है तो जब वो आएंगे तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम, उसमें कई अधिकारियों की IPS अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है और जो लाल परेड मैदान पर जो कार्यक्रम होना है उसके आसपास से ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँच गए हैं, कार्यक्रम पर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और यही कारण है कि लाल परेड मैदान पर जहाँ कार्यक्रम होना है उसके आसपास के जो रूट हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। बाकी भोपाल में ट्रैफिक सामान्य है, केवल उस एरिया में ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक रूप से जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो हैं वो तगड़ी ही होती है और अमित शाह जो हैं उनको वैसे भी सुरक्षा जो मिली हुई है उसके हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं जहां भोपाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में अब उनका स्वागत किया जा रहा है। CM शिवराज BD शर्मा ने उनका स्वागत किया है, थोड़ी देर में लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे अमित शाह और जहां MBBS की हिंदी पुस्तकों का विमोचन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मेगा कार्यक्रम होगा जहां पहुंचेंगे थोड़ी देर में, इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए जिस तरह से आज ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी और इस तैयारियों के साथ ही साथ जो आम लोग हैं, जिन लोगों ने MBBS की पढ़ाई करनी है, सपना देख रखा है कि एक दिन वो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन जो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा को लेकर जो बीच में दरार आती थी, जो अंग्रेजी भाषा के चलते अपने सपने से पीछे चले जाते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं आज का दिन बड़ा दिन है और साथ ही साथ खुशी इस कदर देखने को मिली है कि उन लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर अपनी खुशी जाहिर की गई है। अब इंतजार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया जा रहा है, जब थोड़ी ही देर में वो लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। भोपाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब उनका इंतजार किया जा रहा है लाल परेड ग्राउंड में, जहां मेगा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे।